Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. इधर से आप ये देख लें, इधर वेब फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगा, वेब का कोई भी स्केल आपने पिक करना है बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड है। और अगर आपने Adobe Illustrator 2017 या 2018 इनमें से कोई भी वर्जन आप करना है, मैं नाम लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर का फिर एक दफ़ा Adobe Illustrator। हाँ ठीक है, गुड। ये इमरान भाई ने नाम लिख दिया है, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड लिंक भी मैं शेयर कर लूँगा क्लास के बाद आप लोगों से, ठीक है। टॉरेंट से डाउनलोड करें, ट्रैक वर्जन आपको मिल जाएगा, 2018 का मिल जाएगा और 2017 का भी, जो भी आप लोगों को बेहतर लगे डाउनलोड कर लें, दोनों ठीक हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बेसिक ये होता है वेब का लेआउट, ठीक है। वेब के लेआउट में हमारे पास यूनिट्स पिक्सल्स में होती हैं और ये का लेआउट है, इसमें मिलीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। अब मोस्टली जो भी डिज़ाइन आपने करना होता है वेब के लिए, उसमें आरजीबी कलर्स यूज होता है। प्रिंट के डिज़ाइन में आपके पास सीएमवाई के कलर पैलेट होता है, आरजीबी बेसिकली रेड ग्रीन ब्लू। ये नॉर्मल कंप्यूटर से चल जाएगा, कोई इशू नहीं। नॉर्मल मतलब आपका हो को ब्लू भी हो तो उस पर भी चल जाएगा, इतना मसला नहीं करता। 2018 तो काफ़ी लाइट है, वो चल जाएगा। मतलब लेटेस्ट वर्जन जो आ रहे हैं अपडेट, वो मतलब इतने हैवी नहीं है, वो अपडेटेड है और लाइट वेरिएंट है, वो चल जाएंगे आपके इतना इशू नहीं है। अच्छा, इसमें वेब के लेआउट में आप लोगों के पास आरजीबी कलर पैलेट यूज होता है और प्रिंट के लेआउट में आपके पास सीएमवाई के कलर पैलेट यूज है। अब कोई भी डिजाइन आप लोगों ने वेब के लिए बनाना है स्पेसिफिकली, जिसमें हमारे पास फेसबुक कवर्स, फेसबुक बैनर्स, कोई प्रमोशनल एड्स फेसबुक के लिए, यूट्यूब कवर्स, इंस्टाग्राम कवर्स, ट्विटर के कवर्स या प्रमोशनल बैनर्स वगैरह, वो सब चीज़ें होती हैं बेसिकली आरजीबी कलर पैलेट्स के अंदर, ठीक है। और आरजीबी कलर पैलेट ऑटोमेटिकली इधर से जब आप वेब पे क्लिक करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज हो सकता है, ठीक है। क्रिएट, अभी हमने एक डिफॉल्ट पेज क्रिएट कर दिया है। अब इस पेज के अंदर हमने सारा काम करना है, जो भी काम हम लोगों ने, जो भी डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। ये साइट में हमारे पास टूल्स हैं, जिन टूल्स को यूज करके हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे। अच्छा, आप में से इलस्ट्रेटर पहली दफ़ा कौन कौन देख रहा है, मतलब यूज करने के लिए इस कोर्स में आया है या ऑलरेडी आपको कुछ नॉलेज है सॉफ्टवेयर का? अच्छा, सब नए, ठीक है, चलें, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा मैं ये आज के लेक्चर में थोड़ी कम चीजें कवर करूंगा ताकि आपको थोड़ी समझ, ठीक है। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले इनको प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट करना है, फिर आप लोगों को जो है ना इंशाल्लाह उस क्लास से थोड़ी पेस भी पकड़ेंगे और आपको समझ भी आएगी चीजों की, ठीक है। ज़्यादातर आप में से जो है ना वो पहली दफ़ा आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल थोड़ा सा स्लो लेकर चलते हैं इसको, ठीक है। प्रैक्टिस के बगैर जो है सॉफ्टवेयर आप लोगों का नहीं होगा, कोशिश करेंगे कि जैसे भी फ्री टाइम आपके पास होता है इसको प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, अभी ये इसका टूल बॉक्स है, जो भी टूल आपने इधर यूज करना है उसके लिए बेसिकली आप इधर से पिक करेंगे, जो भी फीचर आपको चाहिए वो आपको बताता हूँ। ये टॉप है मेन्यू बार है, इसको फाइल ओपन क्लोज करने के लिए, कोई इफेक्ट्स वगैरह लगाने के लिए आप मोस्टली यूज करते हैं। ये साइड पे डॉकर जिन्हें बोलते हैं या फिर आप बोल रहे हैं पैनल्स, ठीक है। अब इसका लेआउट का हमेशा आप बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं, लेकिन ये टॉप पे अगर आप देखें तो ये वर्क स्पेसिस कुछ कीमन है काम के लिहाज से, मतलब आपने पेंटिंग करनी है तो उसके लिहाज से वर्क स्पेस। ये देखें, अभी पेंटिंग पे क्लिक करूंगा, इसकी वर्क स्पेस चेंज हो गई है, ठीक है। टूल्स डिफरेंट आ गए, ब्रशेज इधर आ गए हैं, बाकी इधर भी टूल्स ऊपर नीचे थोड़े हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर आप टाइपोग्राफी पे जाएंगे तो उसके लिए डिफरेंट वर्क स्पेस हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। अब आपने जो भी वर्क स्पेस चाहिए इधर चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एक आप अपनी कस्टम वर्क स्पेस बना लें जो मतलब आपकी हर काम कर जाए, मतलब जो भी काम आप लोगों ने करना है। यार एक सेकंड, मैं क्वेश्चन देख लो,
फुरकान, आपने क्वेश्चंस के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं रखना, ये हम एट द एंड पे करेंगे वरना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा इसमें। और मेरी रिक्वेस्ट ये कि इररिलेवेंट सवाल मत करें, जो है ना आप लोग लास्ट पे करें उतना बेहतर रहेगा, इस तरह मैं बीच में करते करते डिस्टर्ब हो रहा हूँ काफी ना। कोशिश करें क्वेश्चन आप लिख लें साथ में नोट पैड में, तो लास्ट पे जब लेक्चर खत्म होगा 5 मिनट पहले मैं छोड़ दूंगा, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है? साथ साथ लिखते जाए ना नोट पैड में ताकि आपको भी। ओके अच्छा,